शिफ्ट इन डिमांड कर्व और इंक्रीज इन डिक्रीज इन डिमांड, ठीक है। तो इस टॉपिक से रिलेटेड एक टॉपिक है मूवमेंट अलोंग विद डिमांड कर्व और कंट्रैक्शन और एक्सपेंशन इन डिमांड। तो ये चीज हम लोग पहले पढ़ चुके हैं मूवमेंट अलोंग विद डिमांड कर्व, तो अभी हम इसको शॉर्टकट में पढ़ेंगे। देखिए शॉर्टकट में बता रहे मूवमेंट अलोंग विद डिमांड कर्व क्या, अदर थिंग रिमेनिंग द सेम इफ द प्राइस चेंज वांटेड डिमांड क्वांटिटी डिमांडेड डिमांड चेंजेस, ठीक है। तो देखिए प्राइस हमारा इसमें भी दो केस है, एक तो प्राइस इंक्रीज होगा, सेकेंड में प्राइस डिक्रीज होगा। मान लीजिए प्राइस हमारा इंक्रीज हो गया तो डिमांड क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, क्योंकि डिमांड घट गया है, कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। सेकेंड केस है कि प्राइस हमारा घट गया, प्राइस जहाँ पर भी प्राइस घटता है, मान लीजिए कि कोई भी कॉमोडिटी है वो 4 रुपीज़ का है, बाद में घट के 3 रुपीज़ का हो जाएगा, तो लोग का जो खरीदने का कैपेसिटी है वो तो बढ़ गया। तो देखिए 12 क्वांटिटी खरीद रहे, अब हम 15 खरीदेंगे क्योंकि उससे कम प्राइस में हमको ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है। तो हम ज़्यादा क्वांटिटी परचेस करेंगे, तो इस केस को बोलते हैं जहाँ पे डिमांड बढ़ जाता है उस केस को एक्सपेंशन इन डिमांड, जहाँ पे डिमांड घट जाता है उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। लेकिन मेन टॉपिक हमारा शिफ्ट इन डिमांड कर्व है और इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड, तो अभी हम इसको देखते हैं। देखिए शिफ्ट इन डिमांड कर्व क्या है, तो व्हेन प्राइस रिमेन सेम एंड अदर थिंग लाइक इनकम चेंज, प्राइस हमारा सेम है लेकिन अदर थिंग इनकम हमारा चेंज हो गया, इससे क्या होगा डिमांड कर्व है वो शिफ्ट करेगा। तो इसका भी दो केस है, केस वन एंड केस टू। केस वन में क्या है, इनकम इंक्रीजेस एंड प्राइस रिमेन सेम, इनकम क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा, प्राइस हमारा क्या है सेम। देखिए मान लीजिए प्राइस हमारा कॉन्स्टेंट है, प्राइस देखिए कांस्टेंट है लेकिन हमारा डिमांड डी से डी वन बढ़ गया, यहाँ से यहाँ बढ़ रहा है, देखिए यहाँ से यहाँ तो राइटवर्ड शिफ्ट कर रहा है। देखिए इनकम इंक्रीज होगा तो डिमांड हमारा बढ़ जाता है, इसको डी से डी वन, तो ये राइटवर्ड शिफ्ट कर रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिमांड अगर बढ़ गया तो इंक्रीज इन डिमांड। और सेकेंड केस में हम देखते हैं केस टू, इनकम डिक्रीज, देखिए इनकम घट जा रहा है एंड प्राइस रिमेन सेम, इनकम घटा लेकिन प्राइस हमारा क्या है कांस्टेंट है, ये हमारा पी प्राइस क्या है कांस्टेंट है। तो देखिए डिमांड हमारा क्या होगा डी से डी वन, ये कहाँ कहाँ जा रहा है राइट से लेफ्ट जा रहा है, मतलब कि लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है। देखिए इनकम डिक्रीजेस, इनकम घट गया तो डिमांड कर्व शिफ्ट फ्रॉम डी टू डी वन, डिमांड कर्व डी से डी वन जा रहा है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे डिक्रीज इन डिमांड, ठीक है। तो एक है इंक्रीज इन डिमांड जहाँ पे हमारा डिमांड बढ़ जाता है, और सेकेंड है डिक्रीज इन डिमांड जहाँ पे हमारा डिमांड घट जाता है।